देखिए किफा साहब, मैं आपको एक बात बोलूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हमारे अस्थाई कर्मचारी, हमारे कैजुअल लेबर, हमारे डेली वेजर्स हैं, जो कि 47 डिपार्टमेंट जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, उन 47 डिपार्टमेंटों के जो डेली वेजर्स हैं वो सबसे ज्यादा काम जो है वो डेली वेजर ही करते हैं, कैजुअल लेबर ही करते हैं, चाहे वो रोड का काम हो, पीडीडी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, आरएनबी का हो, जंगलात का हो, रबर खेल का हो, इरिगेशन का हो, पीएचई का हो, चाहे एसपीओस हो, एनवाईसी हो, हर एक का जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर्स करते हैं। और मैक्सिमम 80% काम हमारे डेली वेजर्स जो है या कैजुअल लेबर है वही जम्मू के अंदर दिन रात करते हैं, और एक फोन करने पे उनके एक आला अधिकारी के एक फोन करने में तुरंत उस काम के लिए जो है दौड़े दौड़े आते हैं और सबसे ज्यादा वही काम करते हैं। लेकिन आज जब हमें चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एक जो हमें बयान सुना कि जो भी हमारे बैकडोर एंट्री के जो हमारे कैजुअल लेबर डेली वेजर्स हैं 2010 के बाद के जितने भी लगे हैं बैकडोर के उनको निकाला जाएगा, यानी कि एक महीने का इंटीमेशन दिया गया है कि उनको निकाला जाएगा और जिस आला अधिकारी के थ्रू वो लगे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मुझे एक चीज बताइए, 2010 के बाद बीजेपी की सरकारें रही, कांग्रेस की रही, एनसी की रही, लेकिन जब सीएम हमारी सरकार थी, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, तो जब चीफ मिनिस्टर ने यहाँ की गवर्नमेंट होते हुए अपने बिहाफ पे जो बंदे लगाए, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर के बंदे भी बैकडोर एंट्री हो गए? क्या अपने उन्होंने जितना भी बोर्ड बना के जिस तरीके से चीफ या मिनिस्टर कंसर्निंग उनके ऑर्डर के तहत अपने चीफ या उनके डायरेक्टर के थ्रू जो भी बंदे लगे, क्या वो उनको आज चैलेंज करते हैं? आप चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से यही एक क्वेश्चन है कि क्या आप उन तमाम जो हमारे ऑनलाइन वर्कर या ऑनलाइन हमारे कैजुअल लेबर है जो पिछले 15 साल से आपके डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, क्या वो आपको फेक लगते हैं? क्या आपको आज 15 साल के बाद इस बात पे आई सूझी कि हम अभी हमें ये जो लोग हैं ये हमें नहीं, ये बैकडोर एंट्री वाले? देखिए सबसे पहले आंकड़ा हमारे जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेजर्स का था, जिसमें हमारे पीडीपी के डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो हैं वो परमानेंट के लिए उनको लिस्ट सेंक्शन हुई, फिर उसके बाद कुछ 500 कुछ थे जो म्युनिसिपैलिटी के हुए, फिर ले लद्दाख करगिल के जो लोग थे वो यूटी बनाने के बाद उनके अलग जो है कैटेगरी अलग हुई, यानी कि 40,000 से 43,000 जो लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी मौजूदा जो ऑनलाइन सर्विस यानी कि अपनी बायोमेट्रिक के थ्रू अपने डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, आप उनको भी चैलेंज कर चुके हो। पिछले 7-8 साल से सीएम का ऑर्डर होते हुए जो लोग आज ऑनलाइन हैं उनको भी आज आपने चैलेंज किया कि ये भी बैकडोर एंट्री है। मैं कहना चाहता हूं, आपको याद होगा 1994 में जो कि बैन किया गया था एसआरओ 64 को, जो कि परमानेंट जो लगाए जाते थे, पीडीएल अपना लगाए जाते थे, उनको बैन किया एनसी की सरकार ने, लेकिन ठीक 2005 में उस बैन को ओपन किया कांग्रेस और पीडीपी की सरकार जब आई तो उसको ओपन कर दिया लगाने के लिए। 2005 के बाद 2010 तक 2012 तक जो लोग लगे हैं वो प्रॉपर अपने चीफ अपने मिनिस्टर के तहत ऑर्डर के तहत लगे हैं। वो जो बैकडोर आप एंट्रियां बोल रहे हो तो वो बैकडोर एंट्रियां आपको आज से 5 साल या 6 साल नहीं दिखी, आपको जब लास्ट में हम लोगों ने जो है अपनी डिमांड्स पूरी करवाने डेली वेजर्स की डिमांड्स पूरी करवाने जब हमने आवाज उठाई तब जाके आपने ये जो हल है ये निकालने का आपने फैसला लिया कि जितना हो सके इनको बाहर निकालो तब जाके इनका शोर कम होगा। और आपको याद होगा कि 29/11/2005 को गवर्नमेंट से ऑर्डर सैंक्शन होता है 239F के तहत कि जो इनकी जो नियुक्ति है वो की जाए और इनकी नियुक्ति करके इनको बायोमेट्रिक में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन उसके बाद 2015 में जब एनएन बोरा हमारे गवर्नर थे उन्होंने बैन किया था कि जो पीडीएल या कैजुअल लेबर थे कि 2015 के बाद कोई भी पीडीएल या हमारे कैजुअल लेबर या डेली वेजर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन 2015 से पहले जितने भी हमारे भाई लगे, जितने भी हमारे लोग लगे, मुझे बताइए उनका कौन सा कसूर था जो मतलब कि अपनी नौकरियां अपनी ड्यूटियां 24-24 घंटे आप ही सरकारी आला अधिकारियों के लिए वो देते रहे हैं और आज आप उनको लात मार के बाहर निकालने की बात करते हैं।
मैं कहता हूं अगर कोई लाख का, दो लाख का, ढाई लाख का आंकड़ा अगर बताता है तो उसके लिए आप कार्रवाई करें, लेकिन जो जनरल हमारे कैजुअल लेबर या डेली वेजर्स है, वो चाहे वो 2012 के हो, चाहे वो 2015 के हो, लेकिन जो जनरल तरीके से जो लगे हैं, जिनकी ऑनलाइन बायोमेट्रिक उनकी अपनी एंट्री है, उसके साथ छेड़खानी ना करें। आपने जो भी बोला वो गलत बयान दिया, लेकिन जिसके चलते आप लोगों ने ये फैसला किया हुआ है कि हमने जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर के अंदर भुखमरी का जो काम है वो उन्होंने फैलाना है, वो आप कर रहे हो। और रही बात डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो कैजुअल हो चाहे वो परमानेंट हो, जब 19 डेज डिपार्टमेंट के लिए कोई भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई का काम कर देता है तो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार तो देने से रहे, हमारे लोगों का, हमारे नौजवान का फ्यूचर तो वैसे भी ऐसे रोडों पे जो है वो बिलखा हुआ है, लेकिन जो है जो पिछले 15 साल से 13 साल से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं उनका भी फ्यूचर स्पॉइल करने के चक्करों में है, उनका भी फ्यूचर। मुझे समझ नहीं आती क्या पैसा या उनकी तनख्वाह क्या ये अपनी जेब से देंगे जो इनको तकलीफ हो रही है। इतने इतने प्रोजेक्ट, इतनी इतनी जो डिमांड्स है सेंटर से लेके आप जम्मू कश्मीर के अंदर ला रहे हो, बट मुझे बताइए हमारे जो काम करने वाले मुलाजिम है, चाहे वो पीएचई के हों, इरीगेशन के हों, या जो भी हमारे ग्राउंड लेवल का काम है पूरे जम्मू कश्मीर का, वो हर एक तबके के वही लेबर जो है, वही कैजुअल लेबर काम करती है। तो मुझे बताइए अगर आपको वो चुभते हैं यहाँ पे काम करते हुए, जहां आपको दिक्कत होती है कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आपको जम्मू कश्मीर की आवाम या जम्मू कश्मीर को संवारने का काम करना है कि ये जम्मू कश्मीर को तबाह करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, हम सराहना करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने 60 से ज्यादा देशों को यहाँ पे आमंत्रित किया और जम्मू कश्मीर को प्रमोट किया, लेकिन साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जो अंधकार, जो अभी अंधकार में धकेला जा रहा है हमारे लोगों को, वो कौन ठीक करेगा।